भगवान कृष्ण की अल्हादिनी शक्ति श्री राधा रानी को लेकर अमर्यादित टिप्पणी करने वाले कथित शिव कथा प्रवक्ता प्रदीप मिश्रा के खिलाफ ब्रज में व्याप्त भारी आक्रोश है। महापंचायत के रूप में ब्रजवासियों का आक्रोश बरसाना के मान मंदिर स्थित रस मंडप में दिखाई देगा। दोपहर बाद 3 बजे से शुरू होने वाली इस महापंचायत में हजारों की संख्या में ब्रजवासी, मंदिरों के सेवायत, गोस्वामी और ब्रज के प्रमुख वरिष्ठ संत पंचायत में शामिल होंगे। पंचायत को लेकर बड़े पैमाने पर मान मंदिर के रस मंडप में तैयारी की गई है। तैयारी में जुटे मान मंदिर के सचिव सुनील सिंह ने बताया कि ब्रज के परम विरक्त संत पद्मश्री प्राप्त संत रमेश बाबा की अध्यक्षता में ये महापंचायत होने जा रही है। इस महापंचायत में समस्त राधा कृष्ण के भक्तों की हजारों की संख्या में आने की संभावना है। वो सभी आज इस मामले में ठोस निर्णय लेंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम ब्रजदास, सुनील के नाम से जानते हैं। मैं मान मंदिर सेवा संस्थान में सचिव और व्यवस्था में हूँ। सुनील जी, ये जो आज महापंचायत हो रही है प्रदीप मिश्रा की अमरादित टिप्पणी को लेकर, तो वो कितने बजे शुरू होगी, कहाँ पर होगी, कितने लोग आ रहे हैं और क्या इसका आपकी तैयारी चल रही है? लोगों का तो ऐसा है कि हम लोगों ने अभी ज़्यादा लोग नहीं बुलाए हैं, परंतु मैसेज छोड़ा है और उसके माध्यम से भी हमें पता पड़ रहा है। हमने केवल बरसाना के आसपास जो राधा रानी के अर्शकियों के गांव हैं या उनके पास में जो गांव हैं उनमें संपर्क करा है, और उनमें भी हमने पंच, सरपंच, पूर्व प्रधान, वर्तमान प्रधान, कुछ सम्मानित लोग और ब्रज के प्रमुख मंदिरों के सेवायत गोस्वामी एवं कुछ भागवताचार्य और ब्रज में जो वर्तमान में यहाँ संत हैं उनमें से जिनका स्वास्थ्य ठीक है वो आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ इस पंचायत में निर्णय लिया जाएगा कि आगे क्या करना है। ऐसे लोग धर्म की गद्दी पर बैठकर विधर्मियों जैसी बात करते हैं, उनकी एक रूपरेखा तय होगी, अन्यथा ये कहीं भी कैसा भी बोल देते हैं। जो विधर्मी नहीं बोल सकता है वो ये कृत्य ये लोग कर रहे हैं, उसकी एक रूपरेखा तय होगी। अभी हमारे यहाँ जो व्यवस्था है, हमने लगभग दो हजार लोगों की व्यवस्था रखी है, क्योंकि जिस तरीका से ये बात फैली है सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि हम बरसाना के रहने वाले हैं और लोगों से जुड़े हुए हैं, हमारी साल भर यात्रा चलती है। जमुना आंदोलन में लाखों लोग दिल्ली तक पैदल गए थे यमुना महारानी के लिए, वो राधा रानी की बात कैसे सहन कर सकते हैं। ब्रज में हर घर के छोटे से छोटे घर में राधा रानी विराजमान है। केवल मंगला ही मंगला में 3-4 हजार लाख आदमी रोज आ जाते हैं, चाहे बरसात का समय हो, चाहे आंधी हो, चाहे सर्दी हो। तो लोग जो है बहुत आक्रोशित हैं, परंतु यहाँ एक रूपरेखा तय होगी, और श्री जी मंदिर में आके अगर इस तरह की टिप्पणी करने वाला कोई माफी मांगता है तो ब्रजवासी बड़े सरल भी है और वो उसको माफ भी कर देंगे, परंतु जो ठेस पहुंची है साधु संतों को, युगल उपासकों को, उसकी भरपाई तो स्वयं भोलेनाथ भी नहीं कर पाएंगे। भोलेनाथ भी राधा रानी के और युगल सरकार यानी कि कृष्ण भगवान के रास के उपासक हैं, वो भी जगह जगह प्रमाण मिलते हैं। स्वयं वृंदावन में महाराज देखने के लिए गोपी बने थे, इसलिए आज वहाँ विराजमान है गोपीनाथ। कितने बजे आपकी पंचायत शुरू हो जाएगी? पंचायत यहाँ 3:30 बजे शुरू हो जाएगी, लगभग 3 बजे लोग आना शुरू हो जाएंगे, और इसमें बहुत प्रमुख संत आ रहे हैं। कौन-कौन प्रमुख संत हैं? प्रमुख संतों में पूज्य बाबा महाराज हैं, जिन्होंने ब्रज के लिए बहुत बड़ा संघर्ष करा है, और ब्रज की सभी ब्रजवासियों का अपना भगवान मानते हैं, और ब्रजवासी भी उनके लिए मरने मिटने के लिए तैयार रहते हैं। और उनके अलावा वृंदावन से चतुर संप्रदाय के फूलडोल महाराज जी हैं, हरिबोल बाबा हैं, मोहिनी शरण जी हैं, और सेवायत गोस्वामी, चाहे वो दाऊजी के हों, चाहे रमण रीति के हों, गोकुल के हों, गिरिराज जी की सात को उसकी मान्यते प्रमुख मंदिर के लोग हों, नंदगाम की सेवायत गोस्वामी हों, आचार्य हों, बरसाना के समस्त नौजवान हों, गौरक्षक दल, उनमें भी आक्रोश है, और वो सब आ रहे हैं। यहाँ संत महापुरुष जो तय करेंगे उस बात को लेके फिर आगे एक बड़ी पंचायत और करी जाएगी। हमारी भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्र अध्यक्ष भानु प्रताप जी से बात हुई थी, यानी कि आप ब्रज का ही मामला नहीं है, ये पूरे भारत का मामला है। भारत में करोड़ों लोग रहते हैं, केवल इस्कॉन के ही 108 मंदिर हैं पूरे विश्व में, यानी कि 108 देशों में राधा कृष्ण अपने भक्तों को अपने स्वरूप में स्थापित होकर वहाँ आनंदित कर रहे हैं, और इस तरह की जो टीका टिप्पणी कर रहे हैं उसकी आज एक ठोस रूपरेखा बनेगी। राधे राधे। वेलकम टू रियल पब्लिक स्कूल चंद्रपुरी मथुरा,
a world of learners, where your child gains passport to the world. We have a 3.5 acres of lush green playground at Aduki to foster sportsmanship in students. We also offer a smart audio-visual hall to create better understanding among our learners. Our school offers advanced computer lab for coding and robotics to develop the concept of artificial intelligence. We also offer high-class transportation facilities to ensure better security to students with CCTV and GPRS-enabled transportation system, practical and activity-based learning approach, wide range of games and sports with brilliant results in board and different competitive examinations. Admission open for the session 2024 to 2025.